हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं दूनागिरी। तो अभी बस गाड़ी आने वाली है, हम उसका वेट कर रहे हैं। जैसी गाड़ी आएगी हम चलेंगे। तो चलिए, आप लोग भी चलिए हमारे साथ दूनागिरी। हम पहुंचे हैं द्वारहाट। यहाँ पे बहुत जगह एटीएम में घूम लिया, कैश हो गया ख़त्म, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एटीएम वगैरह कुछ है नहीं। जितना भी कैश था सारा का सारा खत्म हो गया। ये पीएनबी का एटीएम है इधर के साइड में, आगे दूसरे एटीएम है, हर जगह ट्राई कर लिया नहीं मिल रहा। एक एटीएम और बचा एसबीआई का, देखते हैं क्या होता है, कहीं तो सरकारी काम आ जाए। चलो जाके देखते हैं मिलता है कैश। दूजी लाइन पर लगी हुई है, देखो कितना टाइम लगता है, बहुत देर हो गई हमको यहाँ खड़े खड़े। मिल जाए बस कैश, आखिरकार कैश मिल गया, गाड़ी में बैठ गए। अब पहुँचने वाले हम दूनागिरी। ये है द्वारहाट, यहाँ पे जंगली जंगल है। तो हम यहाँ पे आए, मंदिर पहुंच चुके हैं, हमारी शॉपिंग भी हो गई थोड़ी सी। क्या के लिए मम्मी? ये थोड़ा बहुत सामान है, घंटी और पूजा का सामान। बाकी ये इधर की साइड मंदिर है, हम जाएंगे मंदिर। मंदिर में कितनी सीढ़ियां अंकल ऊपर? 700-800 मानते हैं कि 500 मीटर है यहाँ। 500 मीटर है, मान के चलो 1 किलोमीटर ना, आधा किलोमीटर ऊपर है। उसके बाद में हम सीढ़ियों से जाएंगे, फिर पहुंचेंगे मंदिर, फिर आपको दिखाते हैं मंदिर कैसा है। वहां से शायद हमारा दर्शन हो जाए। थोड़े बादल ज़्यादा हैं, धूप भी आप देख रहे होंगे इतनी तेज नहीं है। तो देखो लेट्स सी। ये हो चुकी है शुरुआत, आधा किलोमीटर की सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा सा ऊपर है, फिर हम पहुंच जाएंगे मंदिर। ये देखो घंटियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, लाइन से लगा रही हैं। उत्तराखंड में क्या है, हर मंदिर में जहाँ पे भी आप जाओगे घंटियाँ दिखेंगी आपको। वो लास्ट तक जाना है, और कोरोना के काल में इनको कोई बजाय नहीं, इसलिए ऐसा बना दिया। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इधर बाहर की साइड में पूरा जंगल है, या माता रानी को चुनरियाँ उड़ा रखी हैं। ये पीछे सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के उस साइड भी जंगल ही है। बोला जाता है ऐसा कि यहाँ बाघ, शेर और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, भालू सबसे ज़्यादा होते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ पे सेब के पेड़ भी हैं, और चीड़ के जो पेड़ हैं, पाइन ट्री जो नीचे मिलते हैं, वो नहीं है यहाँ ऊपर इस ऊँचाई पर। अभी थोड़ा सा रास्ता बचा ऊपर जाने का, उसको ट्रैवल करेंगे, माता रानी के पास पहुँचते, फिर आपसे मिलेंगे। हम हो चुके हैं मंदिर के अंदर, बहुत ठंड है, मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है, यहाँ पे आग भी लगा के बैठे हैं लोग, आपने देखा भी होगा शायद। अब इधर है मंदिर का मेन गेट, बस थोड़ा छोटा सा मंदिर होता है, गांव में बहुत बड़े मंदिर नहीं होते, लेकिन उसकी जो उसके पीछे जो जुड़ी है कहानी, आध्यात्मिकता, वो बहुत ज़्यादा है। तो चलो चलते हैं फिर हम मंदिर में। यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें भी हैं। डोंट रिंग द बेल। ये इधर मंदिर है, अगर आपको दिख रहा हो, बस वहीं जाना है हमको, वो वहाँ मंदिर है। तो चलो फिर। Thank you.
हम यहाँ इस दूनागिरी मंदिर में आए, हमने यहाँ पे पूजा करी, पंडित जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, साथ में माता रानी का भी आशीर्वाद मिला। हमने यहाँ पे इस जगह मन्नत पूरी हुई थी मेरी मम्मी की, पता नहीं क्या मांगी थी उन्होंने, अपना घंटी चढ़ाई। दूनागिरी मंदिर के अंदर की कहानी ऐसी है कि यहाँ पे जब सती माता अपने घर गई, मतलब अपने पिताजी के घर गई, तो वहाँ पे उन्हें अपमानित होना पड़ा कि बिना पूछे कैसे आ गई लड़की, तो वहाँ से चली, फिर क्रोधित होकर वो अग्निकुंड में भस्म हो गई कि उन्हें वो अपमानित हो रही है इसलिए। पर जब शिवजी ने देखा, तो उन्होंने देखा कि मेरी वाइफ ऐसे कैसे जल रही थी, उनको उन्होंने वहाँ से उठाया। जब वो उठाया तो उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो हर जगह अलग अलग फैल गए, जिन्हें हम कहते हैं शक्तिपीठ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है, सबसे प्राचीन शक्तिपीठ, उग्रपीठ के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर इस दूनागिरी मंदिर को, मतलब इसके आसपास की जगह आप थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ से पांडु खोली है, उस पांडु खोली के अंदर पांडवों ने शेल्टर लिया था, पांडव अपने वनवास के टाइम पे वहाँ पे भी आए थे। इस जगह, इस दूनागिरी मंदिर, इस पहाड़ पे गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपना तपस्या करी थी, और साथ साथ में इस दूनागिरी पर्वत को मानस खंड कहा गया है स्कंद पुराण के अंदर। बहुत ही शानदार सी हिस्ट्री है, बहुत छोटा सा टेम्पल है ये, लेकिन मन्नतें बहुत पूरी होती है। तो हम भी आए हैं यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लेने, आप भी ज़रूर आइए। तो अब चलते हैं आगे, बहुत सारे और छोटे छोटे मंदिर हैं उनमें। तो दोस्तों, पीछे की साइड में ये पूरी हिमालयन बेल्ट है, अभी थोड़ा सा कोहरा भी है, पेड़ भी हैं थोड़े, इस कारण नहीं दिख पाएगा, मेरे को दिख रहा है, जो यहाँ पे आएगा उसको दिख जाएगा। वहाँ कैसा दिख रहा है हिमालय? बहुत ठंडा, बिल्कुल मस्त। हाँ, चलो ये देखो, ये हिमालय है पूरा, ये पूरी बेल्ट है हिमालय, ये पूरा, इधर भी है थोड़ा 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 दिखेगा, पेड़ हैं तो अब हैं, क्या कर सकते हैं, ये पूरा हिमालय है। ये रहा पार्वती माता का झूला, और यहाँ पे ये झूला इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग यहाँ पे झूला झूलते हैं, और मतलब कई लोग यहाँ पे सुसाइड भी करते हैं, इसलिए ये झूला बंद कर दिया गया है। बाकी पहले ये चालू था तो लोग आते थे यहाँ पे, झूला झूलते थे। तो चलिए, इसकी स्टोरी यही है, अब चलते हैं घर। यहाँ से दौरहाट का पैदल मार्ग है, जहाँ से हम ऊपर आए थे, ये रास्ता जा रहा है सीधा दौरहाट के लिए, और अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, बच्चों के लिए झूला वगैरह है। यह है किचन, यहाँ पे भंडारे का खाना बनता था, लेकिन जब से कोरोना हुआ है तब से अभी सब बंद है, और रोज लगता था यहाँ पे भंडारा। तो चलो अब आगे चलते हैं। इस साइड वॉश बेसन वगैरह है, और इस साइड एक हॉल है, यहाँ पे शायद भक्तजनों को खाना बैठा कर खिलाते हैं। और फिर अब चलिए, यहाँ पे छोटा सा मार्केट, दुकानें हैं मंदिर की, चलिए देखते हैं। ये पीएस का जेएम है। अच्छा, जो रेड कलर के ढक्कन मैंने कुछ ही बनाए थे, 40-50 डब्बे। ये आपने अपने घर में बनाए? यही बनाते हैं घर पे, या कहीं ऊपर लगा हुआ ना, दूनागिरी फ्रेश के नाम से रेस्टोरेंट है, मतलब यहाँ के लोकल वो है ना। हाँ, ये सभी नींबू, ये क्या है, मुझे तो यहाँ ये क्या है, ये पियर्स का जैम है, और ये कीवी की चटनी, और ये अच्छा डब्बे बनाए थे ना 40-50, तो लेवल। अच्छा 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 अच्छा, ये क्या अचार? ये नींबू का अचार है अभी बड़ी, और कीवी का जूस। तो क्या रेट देते हो आप ये दोनों चीजें? ये तो 100 रुपए का डब्बा है क्योंकि सस्ता बैठता है ना फल। अच्छा, ये 100 रुपए का डब्बा है, और वो ये 200 रुपए। कितना ग्राम है ये? आधा किलो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर तो सही है, आधा किलो है भाई। हमने यहाँ पे लिए है कीवी का, कीवी की चटनी और नाशपति का जैम ले रखा है, ये यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, यहीं के फ्रूट से बनता है ये। तो चलो, हमने यहाँ से ले लिया है, अब चलते हैं नीचे की ओर। चलो दोस्तों, दर्शन हो चुके हैं, प्रसाद भी आ चुका है दूनागिरी में, अब जाके सूरज निकला है, दिख रहा होगा, लेकिन अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, तो चलते हैं फिर। चलो, अब जाके बस थोड़े बहुत दर्शन हुए हैं। देखो हमको ये यहाँ पे ना नीचे वाला जो बिल्कुल दूध की तरह चमकता हुआ दिख रहा है हमको,
वहाँ शायद धूप अच्छी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बादल है। और आप अगर इधर देखेंगे इस जगह, ये जगह जो है धुंध बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है हमें कैमरे में, तो मुझे लगता नहीं कुछ दिख रहा होगा। देखो धूप दिखाता हूँ वो कितनी तेज़ आ रही है, ये धूप है। अब सोच लो आप, पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है ये जगह, हर जगह पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। और हाँ, आप चढ़ेंगे इसके ऊपर, एक थोड़ी सी हमारे साथ चोट हो गई, इस पर चढ़ना मना है। यहाँ पे बैरिंग वो लगा रही है, बैरिकेड्स, चढ़ नहीं सकते, बस यहाँ तक ये देख सकते हैं इसके ऊपर, बस देख लो इसको और यहीं से हिमालय दर्शन कर लो। वो सामने हमारे हिमालय, वो उधर भी कहीं पे हिमालय है, बाकी ये मंदिर है इधर की साइड में, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये मेरे पीछे ये ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिख रहा होगा, देखो जरा ये मंदिर का रास्ता है। और ये बाकी हम, और ये हो रही हमारी पार्टी। मंदिर आते ही सबसे पहले गणेश भगवान जी का मंदिर है, और ये सीधा रास्ता चला जाता है धूलागिरी के लिए। और हमने ऊपर से ये दो चीज़ें ली हैं, कीवी और नाशपाती का जैम और चटनी, और कुछ दिनों में ये अमेज़ॉन पे भी मिलने लग जाएगा। और अब हमें भूख लग रही है, हम खाना खाने जा रहे हैं, और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।